गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी आर ऑन स्ट्राइक एंड सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। इट इज़ एन HTML प्रोग्राम। उसमें आपका जो होता है, ऑलरेडी एग्जांपल बता चुका हूँ कि मान लीजिए ये इस टाइप से आपको सेल का ऑफर मिलता है या कुछ हम इंटरनेट पर ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो एंड ऑफ सीजन सेल, ये प्राइस को हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रॉस कर देते हैं, है ना। दैट इज़ अ स्ट्राइक थ्रू एग्जाम्पल्स। तो स्ट्राइक थ्रू हम जो है रेड प्राइस वगैरह को डिस्काउंट करने के लिए, इस टाइप से हम जो यूज़ करते हैं वेब पेज पर, उसके लिए हम स्ट्राइक सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। सो नॉर्मली स्ट्राइक के लिए स्ट्राइक थ्रू यूज़ कर रहे हैं, और आपका जो है स्ट्राइक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। स्ट्राइक कीवर्ड्स, स्ट्राइक थ्रू एग्जांपल्स, इसको हमें क्या है में चेंज करना है, 600 में। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। स्ट्राइक टैग, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, इट इज़ अ कंटेनर टैग दैट इज नोटेड एज स्ट्राइक। कंटेनर टैग क्या होता है, जिसको हमें लास्ट में क्लोज भी करना होता है, उसे कंटेनर टैग करते हैं। और कंटेनर टैग कंटेन्स अ वैल्यू। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्ट्राइक थ्रू एग्जांपल्स आ गया, एग्जांपल 2000, और स्ट्राइक 600 न्यू रेट आ जाएगी वहाँ पर। ठीक है, एंड ऑफ सीजन सेल ये आपको डिस्प्ले कराना है स्ट्राइक। और इस टाइप से हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा जो आउटपुट आता है वो कैसा आएगा, स्ट्राइक थ्रू एग्जाम्पल्स, ये हमने जो स्ट्राइक थ्रू करा है, और एंड ऑफ सीजन सेल 2000 को 600 में चेंज कर देगा, क्योंकि ऊपर जो हमने टाइटल लिया था वो आपका क्या है, स्ट्राइक थ्रू एग्जांपल। यही चीज़ यहाँ पर आपके टाइटल जो है टाइटल बार पर डिस्प्ले होती है। अब देखिए सब स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, सब स्क्रिप्ट में हमें इस टाइप का आउटपुट चाहिए कि मान लो H2SO4, जो हमें नीचे वैल्यू लगानी होती है, इसको हम बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो ये सब स्क्रिप्ट टैग के थ्रू आप अपने वेब पेज पर क्रिएट कर सकते हैं। सी यो HTML हेड टाइटल हो गया आपका सबस्क्रिप्ट। ठीक है, हेड क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी में हमने क्या कर दिया, 1110। और सबस्क्रिप्ट जो SUB लिया है, दैट इज़ अ सबस्क्रिप्ट टैग, है ना। सब ले लिया, SUB इन द सेंस सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट 2 कर दो और सबस्क्रिप्ट को क्लोज कर दो। BR न्यू लाइन करो, फिर H1, और इस टाइप से हम इसको ऐड कर देते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। HTML हेड टाइटल स्क्रिप्ट एग्जांपल, उसके बाद में ये कोड लिखा, तो ये सब स्क्रिप्ट का आपका एक सिंपल सा आउटपुट आ जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसे हमने यहाँ पर 1110 लिया था, इसके नीचे इसको 2 ऐड किया, तो ये क्या हो गया आपका सब स्क्रिप्ट। ठीक है, H2SO4 हमने किया, तो 2 ऑलवेज नीचे आ रहा है, 4 भी नीचे आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, सब स्क्रिप्ट का एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट में 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये इस टाइप से हम यूज़ करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू, दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम से। एक बार ट्राई करेंगे तो ईजिली आप इसको हैंडल कर सकते हैं, अदरवाइज टिपिकल लगेगा। तो बेटर है आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ये आपका एग्जांपल है ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, H1 इज एन हेडिंग, उसके बाद में लिस्ट आ गई आपकी, 5 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने यहाँ पर 5 से स्टार्ट करा, स्टार्ट 5, यहाँ पर स्टार्ट 4, यहाँ पर स्टार्ट 3, तो ये उसी टाइप से आपकी
डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर 5 से काउंटिंग आ रही है, यहाँ पर 4 से आ रही है रोमन न्यूमरल्स में, और जो आपका लास्ट में ए बी सी डी है तो वो थर्ड से स्टार्ट हो रहा है। इस मीन्स ए बी सी, तो थर्ड वन इज सी, तो सी से स्टार्ट हो रहा है। हाउ कैन वी एड टेबल्स इन अ वेब पेज, वो एक बार देख लीजिए यहाँ पर। टेबल हेडर स्टैंड फॉर TH TH E A D, टेबल हेडर, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? ओवरऑल हेडर ऑफ द टेबल, तो टेबल हेडर हम यूज कर सकते हैं। एक तो होता है TH कमांड, दैट इज टेबल हेडर, ये जो यूज कर रहे थे हम, ये इस चीज के लिए, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर हमें कुछ मार्कशीट हेडिंग इस टाइप से करनी है तो भी यूज TH EAD, टेबल हेड, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल देखो, HTML हेड स्टार्ट हुआ, टाइटल हमारा हो गया क्रिएटिंग टेबल्स, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी में हमने सेंटर ले लिया, BR BR न्यू लाइन, सेंटर पे यहाँ से जो है 2 लाइंस का स्पेस आ गया। उसके बाद में आपका टी हेड में हमने जो है सेंटर लिया, टेबल बॉर्डर टू, और बॉर्डर कलर रेड कलर का ले लिया। उसके बाद टी हेड स्टार्ट हुआ, TR न्यू लाइन पर, TD में कॉल स्पैन यानी कॉलम के लिए स्पेस जो हम यूज करते हैं वो हमने ले लिया 4। उसके बाद में क्या हेडिंग हम ऐड करते हैं? मार्कशीट हेडिंग ऑफ द टेबल TD, तो ये मार्कशीट जो है ये लाइन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद में हमने जो है TD को क्लोज किया, टेबल डेटा को, फिर TR को क्लोज किया, फिर अब TH EAD, टी हेड को हमने क्लोज किया। अब क्या हो रहा है, हमने वापस न्यू TR जो यूज़ कर रहे हैं, ये जो यहाँ यहाँ तक तो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। ये जो चीज़ थी ये किस पर्पज़ के लिए है पूरा, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमने ये मार्कशीट ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पर, जो ये कॉलम आ रहा है, इस चीज़ के लिए हमने इसको यूज़ किया है। ओके, अब इसमें जो टेबल रो टेबल डेटा हमने क्रिएट की है उसमें क्या करेंगे? सबसे पहले TR टेबल रो, न्यू रो आ गई, ठीक है। न्यू रो में हमने क्या ले लिया? रोल नंबर, नेम एंड एज, ठीक है। ये आपका रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, और इधर एज आ गया, ठीक है। ये एज आ गया, ये एज। नाउ TR इक्वल्स टू, अब डेटा एंटर करना है उसमें, तो फर्स्ट में हमने क्या दे दिया? 101 आशी 12, नेक्स्ट 102 आदित्य, ये आ गया, थर्ड रो का डेटा आ गया, ठीक है। ऑल डेटा इज एंटर्ड इन आवर टेबल, टेबल क्लोज करेंगे तो हमारी जो वेब पेज पर जो डिस्प्ले होगी टेबल, वो इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी। ये जो प्रोग्राम हमने यहाँ पर राइट करा है, इस पूरे प्रोग्राम का सेंस यहाँ पर आपका वेब पेज पर आउटपुट डिस्प्ले होता है। ये था टी हेड का एग्जाम्पल। इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, डिफाइन TH EAD टी हेड, सॉरी, है ना, इसको आपको डिफाइन करना है, डिफाइन दिस टैग। अब इस टैग को आप कैसे डिफाइन करेंगे? जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं है, इसका प्रोग्राम आपको पूरा एक्सप्लेन करना होता है, और उसी के साथ आउटपुट के साथ में इसको समझाना रहता है। दैट इज़ वेरी सिंपल, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप से आपके प्रोग्राम्स जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। टेबल फुटर, टेबल फुटर का क्या काम है? सी हियर, इट स्पेसिफाइज द ओवरऑल फुटर ऑफ द टेबल। जो टेबल में हम अगर देख रहे हैं, सिंपल से प्रोग्राम है टी फुटर, तो यहाँ पर देखिए HTML स्टार्ट, हेड टाइटल आ गया आपका, ये नॉर्मल आपके हर प्रोग्राम में लिखने हैं तो इनको आपको याद कर लेना है। सेंटर टाइप का आप जो है अलाइनमेंट ले रहे हैं,
टेबल बॉर्डर टू बॉर्डर कलर रेड, सेम वही एग्जांपल है, ये टी हेड स्टार्ट हुआ, टी हेड में वही सेम चीज़ आ गई जो हमने अभी ऊपर देखा है, वही प्रोग्राम है ये, यहाँ तक सेम ये चीज़ें आ गई। ओके, अब यहाँ पर क्या कर रहे थे, वही टेबल डेटा फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, है ना। कॉल स्पैन ले लिया हमने 4, मार्कशीट हो गई आपकी, वही सेम चीज़ लिख दी यहाँ पर। सी हियर, जो हम यहाँ पर ले रहे हैं ये आपका क्या हो गया, टेबल फुटर। तो टेबल फुटर क्या कर रहा है, यहाँ से 4 कॉल कॉल जो है कॉलम है आपका, उसमें स्पेस क्रिएट कर रहा है 4 इंचेस का, 4 पॉइंट्स का, ठीक है। उसके बाद में आपका जो टेबल फुटर है वो क्लोज हो गया, तो सिर्फ टेबल फुटर ऐड करना है। तो हमें भी पूरा यही प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है, और इससे क्या हो रहा है ये देखें यहाँ पर, कि आपका जो टेबल फुटर है वो 4 इंचेस का ऐड हो गया नीचे, जो टेबल फुटर हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ये लाइन ऐड हो गई है। तो ये लाइन जो है ये क्या है, टेबल फुटर, और ये वाली जो थी वो टेबल हेड है, तो ये हेडिंग के लिए है, और ये फुटर नीचे की तरफ जो आ रहा है ये तो आपका हेडिंग का, टीएच हेडर का एग्जांपल हो गया टेबल हेडर का, और ये वाला हो गया टेबल हेडर एंड टेबल फुटर, दोनों के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। टी आर, टी एच एंड टी डी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कि टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडर, टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। तो इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ हम कर रहे हैं। अब कॉल स्पैन और रॉ स्पैन क्या है ये भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। द एट्रीब्यूट इज यूज इनसाइड द टी डी टू मर्ज द कॉलम्स ऑफ अ टेबल। अगर हमें टेबल्स में कॉलम्स को मर्ज करना है आपस में, सो वी यूज कॉल स्पैन। कॉल स्पैन इन द सेंस कॉलम स्पैन इक्वल्स टू वैल्यू, कि आपको कितनी कॉलम्स को ऐड करना है, कितनी कॉलम्स को मर्ज करना है आपस में। ओके, अब मर्ज क्या होता है, सी हियर, हमारी टेबल है नॉर्मली, ठीक है, इस टाइप से टेबल होती है। मेरा नेम आएगा इसमें, इसमें रोल नंबर और इसमें एड्रेस, ठीक है। अब इसमें एड्रेस आएगा, अब एड्रेस कॉलम जो रहेगा वो आपका एड्रेस यहाँ पर इतने एरिया में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, या तो एक रो ऐड करेंगे यहाँ पर, या इस रो को ऐड करेंगे। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो वी यूज़ कॉल स्पैन। अगर हमें कॉलम्स को मर्ज करना है आपस में, है ना, तो कॉलम्स को मर्ज करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, जो हमारा कंटेंट है वो उस रो में, उस सेल में आ नहीं रहा है, सो वी यूज़ कॉल स्पैन। तो कॉल स्पैन इक्वल्स टू वैल्यू। सी हियर इन दिस प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम है, एच टी एम एल हेड टाइटल सारा चीज़ें वही हैं, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 3, और आपका टी आर टी एच आगे स्टार्ट हो गए। नाउ टी डी के अंदर ही आपको कॉल स्पैन का डिफाइन करना होता है, तो टी डी कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, है ना। 2 में हमने क्या कर दिया, 101 टी डी, और सेम वही एज इट इज आ गया। तो ये जो 101 हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर, ये दोनों कॉलम आपस में मर्ज हो चुके हैं। ऐसे ही रहेगा आपका रो स्पैन के लिए, तो रो स्पैन के लिए क्या हो रहा है, आपकी रोज मर्ज हो रही है। सी इट्स अ वेरी सिंपल, इजीली आप कर सकते हो। इमेज ऐड करने के लिए IMG SRC का यूज़ करना है, बहुत ही ज़रूरी है आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। और इसमें बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं इमेज टैग के साथ में, कि जिससे हमारी हेल्प होती है, कि आप वेब ब्राउज़र पर, जो वेब पेज पर आपने इमेज ऐड की है, वो उसका एक्चुअल साइज़ हम हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका जो इमेज का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट उस पूरे पेज को कवर कर लेता है, तो हम इसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। मान लो ये एक इमेज है आपका, इस इमेज पर हम बॉर्डर को सेट कर सकते हैं पहली चीज़, तो दूसरा इसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को रिड्यूस कर, इस पोजीशन को सेट कर सकते हैं। मान लो आपका ये वेब पेज है एक नॉर्मली, और ये पूरा आपका एक वेब पेज है, ठीक है। अब इस पेज पर हमने एक इमेज ऐड कर दी है, इस टाइप से एक इमेज है। अब इस इमेज का अगर साइज़ बड़ा है, तो ये इमेज क्या करेगी, ये इमेज, ये इमेज क्या हो रही है, ये पूरी इमेज आपकी डिस्प्ले हो रही है फुल स्क्रीन पर। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो इमेज है, ये जो इमेज हम यूज़ कर रहे हैं, ये इमेज एक्चुअली स्मॉल साइज में शो हो, तो हम इसको साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे
टैक्स हैं, जो उसके हम विड्थ, उसकी हाइट, उसकी जो है लेंथ, वो सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। अभी तक आपने जितना देखा है इसको एक बार रिवाइज करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, टाइम बहुत कम है। इन सब प्रोग्राम्स की फाइल आपको रेडी करनी है एज सून एज पॉसिबल, यू शुड सबमिट इट। ओके ऑल ऑफ यू, तो बहुत ही ज़रूरी है ऑल प्रोग्राम्स, क्योंकि पाइथन और स्क्रेच आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो ओनली यही एक ऐसी लैंग्वेज है, यही एक ऐसा प्रैक्टिकल चैप्टर है जो आपको करना है। तो इसके लिए आपको इन प्रोग्राम्स को प्रॉपरली फाइल्स में अरेंज करना है विद आउटपुट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबमिट होगा CBSE में। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इसको प्लीज सबमिट करिए जल्दी। एंड इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी पर्सनली, स्कूल कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।